ए दोस्तों, मैं हूँ गोल्डी और आज हम लोग खेल रहे हैं बैटल फील्ड फोर। वैसे अधिकतर हम बैटल फील्ड फोर ही खेलते हैं और आज मैं एक मिशन पे हूँ। मुझे L96A1 अनलॉक करनी है, पर पहले ज़रा मैं इनकी चड्डी में विस्फोट कर दूँ, कैंपर्स साले। तो L96A1 अनलॉक करने के लिए एक C4 किल चाहिए आपको, एक शॉट गन किल चाहिए और एक DMR किल चाहिए। तो ये तीनों चीज़ आपको एक ही राउंड के अंदर करनी है, जो कि बहुत ही आसान। और इसके अलावा आपको 18 किल्स करनी पड़ेंगी बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल से, तब जाके आपकी ये L96A1 अनलॉक होती है। और मुझे ये गन काफ़ी पसंद आई। बुलेट स्पीड इसकी कुछ खास नहीं, M40A5 जो है उसके लगभग उसके बराबर इसकी बुलेट स्पीड है। और फायरिंग रेट तो मुझे इसका इतना खास नहीं लगा, पर अब इसके स्टैट्स बाहर नहीं आए हैं और फायरिंग रेट को इतना इसका स्लो भी नहीं है और ना ही इसका कुछ फास्ट है, मतलब बीच में ये वेपन लटकता है। पर ऑल इन ऑल आप इससे हर जगह खेल सकते हो। और आप देखो, मैं बताऊं, जैसा कि मैंने इसको मतलब क्लोज क्वार्टर्स में भी मैं सिंगल शॉट में बंदों को मारने में कामयाब रहा, वन शॉट किल करने में कामयाब रहा। तो हालांकि मुझे इसके कंप्लीट स्टैट्स पता नहीं है कि अगर आप 10 मीटर में होते हो तब जाके कोई किसी को आप एक शॉट में मार पाते हो, या आप 5 मीटर के अंदर मार पाते हो। पर मैंने जितना समझा है, जितना अनुभव किया है इस बंदूक का, तो अगर आप 5 से 6 मीटर के दायरे में हो तो किसी को भी आप अगर अपर चेस्ट पे मारते हो या अपर बैक पे मारते हो तो वन शॉट किल आपको मिल ही जाती है। तो इसका जो जो बोल्ट है, जब ये बोल्ट आगे और पीछे करता है, जो वो एनिमेशन मुझे इसका बहुत ज़बरदस्त लगता है। और SV98 की आपको याद दिलाता है, और पर इस बार मुझे SV98 इतनी खास नहीं लगी। थोड़ा बहुत ही मैंने उससे खेला है, पर उसका बुलेट ड्रॉप काफ़ी बढ़ा दिया गया है तो वो मुझे इतनी खास नहीं लगी। पर ये बंदूक मुझे काफ़ी भाई है। एक तो इसका लुक, पहली बात, लुक काफ़ी ज़बरदस्त है और बुलेट ड्रॉप कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, बुलेट स्पीड डिसेंट सी है और फायरिंग रेट भी डिसेंट सा है। तो पर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा बना रहता है, एक प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि यार, जब मुझे अगर क्लोज क्वार्टर में जाना है, क्लोज क्वार्टर में फाइट करनी है, तो मैं क्यों L96A1 लेके जाऊँ? मेरे पास स्काउट एलीट है, स्काउट एलीट का फायर रेट बैटल फील्ड 4 में सबसे ज़्यादा है बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल में, वो है 63 का, और उसका बुलेट स्पीड भी सेकेंड फास्टेस्ट है M98B के बाद। पर मैं हर बार केवल स्टैट्स के लिए ही गन को यूज़ नहीं करता, कभी कभी ऐसे ही मज़े के लिए, फ़न के लिए आप L96 यूज़ कर सकते हो और आप निराश नहीं होगे। पर मुझे अगर कोई गेम फाइट के लिए खेलना है, क्लोज क्वार्टर में खेलना है, क्लोज क्वार्टर से मेरा मतलब अगर मुझे कोई ऐसा गेम खेलना है जहाँ मैं 70 मीटर से ज़्यादा का हेडशॉट नहीं लेने वाला हूँ, तो मैं हमेशा स्काउट एलीट नहीं तो FYJS के साथ जाऊँगा या M40A5 के साथ जाऊँगा। जो एकमात्र घाटा है स्काउट स्काउट एलीट और FYJS में, वो ये है कि 100 से 110 मीटर के बाद उनका जो डैमेज है वो 39 का हो जाता है, 39 का हो जाता है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर आप 110 मीटर के बाद किसी को भी मारते हो, बॉडी शॉट पे आपको 3 शॉट लगेंगे उस बंदे को किल करने में, जो कि एक नुकसानदायी इसका भाग है। क्योंकि अगर वो बंदा एक शॉट में, बंदे तो एक शॉट लगते ही भाग जाते हैं या वहाँ छुप जाते हैं, तो 3 शॉट की तो बहुत बात ही दूर है। तो दोस्तों, ये छोटा सा गेम प्ले आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस पर एक लाइक बटन हिट कीजिए, और आपने मुझे पिछले वीडियो में जो सपोर्ट दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए मैं गोल्डी, और भारत माता की जय।